हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सृष्टि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त। काफी टाइम बाद आज हम फिर आपसे मिल रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो फटाफट इस चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु से जुड़ जाएं और अपनी क्लासेस ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, देखते हैं क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बीसीए सेकेंड सेमेस्टर स्ट्रेटजी। ठीक है, कि बीसीए सेकेंड सेमेस्टर करने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, कि हम जिसको लेकर के हम बीसीए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बीसीए सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता है बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में चले जाते हैं कैसे, क्या प्लान करें, कैसे स्टडी अपनी करें ताकि हमारी स्टडी अच्छे से हो पाए। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके आए जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल। तो फटाफट इस जानकारी के लिए आप लोग फटाफट इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करिए ताकि जिनको नहीं पता है वो भी जुड़ करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सके। और आप लोगों को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोगों को चाहे वो कोई भी कोर्स हो, अगर आप बीसीए कर रहे हो, किसी भी कंप्यूटर कोर्स की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं आप किसी भी सेमेस्टर के लिए और आपको कुछ परेशानियां होती हैं किसी भी चीजों को लेकर के, तो बिल्कुल भी दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो अपना परिवार है यूनिक ऑनलाइन गुरु, ये आप लोगों की पूरी मदद करेगा किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। तो दिए हुए कॉन्टेक्ट पर आप हमें विजिट करिए, वहां पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो भी हो वहाँ पे आपको सारी चीजें। तो ठीक है, मैंने आपको बताया कि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी बीसीए सेकेंड सेमेस्टर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो क्या रणनीति है चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो प्लीज आप लोग जुड़ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है दोस्तों क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल। तो ये बहुत ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम कोई भी अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या शेड्यूल होना चाहिए, अपना प्री प्लान बनाना चाहिए कि हमें ये काम करना है, तो उसके लिए हमारे पास पहले प्री प्लान होगा। क्योंकि जब आप अगर प्री प्लानिंग के साथ अपने चीजों को करते हैं, अपने वर्क को, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो जॉब हो, किसी भी फील्ड में हो, तो मैंने तो आपको बेसिकली आज बताने की कोशिश की बीसीए सेकेंड सेमेस्टर की रणनीति, लेकिन हम इसे अपनी डेली लाइफ यूजेस में या फिर अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हर जगह हम इसको फॉलो कर सकते हैं। बस खाली फॉलो करने का क्या, उसका टाइम टेबल थोड़ा अलग होगा, स्टडी का थोड़ा अलग होगा, काम तो हमें वही करना। अगर हमें जॉब करना है तो भी हमारी एक रणनीति होनी चाहिए ना कि हमें ये चीजें करके ताकि मैं अपने जॉब को या फिर अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाऊंगा। ओके, तो चलिए जो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया क्रिएट स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो सबसे मेन आपका दोस्तों होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आजकल आपका टाइम का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम कब बीत जाता है पता बिल्कुल नहीं चलता है। ओके, तो प्लीज आप बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, सो मेक श्योर, ठीक है, मेक श्योर टू क्रिएट अ शेड्यूल फॉर स्टडीज। तो आपको मैंने बताया ना टाइम मैनेजमेंट, तो इसमें सबसे मेन आपका रोल होता है टाइम, क्योंकि जब आप कोई भी टाइम के साथ अपना और एक एक पॉइंट्स को जो अगर आपको लगता है कि बहुत बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट था तो उसे हम नहीं, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी आपकी बहुत अच्छी स्टडी हो पाएगी। तो टाइम सबसे मेन आपका रोल होता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का, तो टाइम मैनेजमेंट आपका बेस्ट रोल होता है अपनी स्टडी का। तो ये आपका सबसे फर्स्ट था क्रिएट स्टडी शेड्यूल, आपका स्टडी के शेड्यूल का टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका फर्स्ट टॉपिक आ गया। लेकिन देख लेते हैं कैसा क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस जो होता है उसकी सिलेबस की आपकी जो जानकारी होती है उस जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से हमें स्टडी करनी होती है, क्योंकि सबसे मेन आपका होता है जब सिलेबस को अगर आप अच्छे से रीड कर लेंगे पहले से कि मुझे ये टॉपिक इस सब्जेक्ट का मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स में हमें ये सिलेबस पढ़ना है, ये टॉपिक को कैसे कवर करना, अंडरस्टैंड द सिलेबस, सिलेबस की हमें बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। तो रिव्यू द कोर्स सिलेबस थ्रूली, ठीक है, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो आपका सी लैंग्वेज हो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं, मैंने आपको बहुत सारे पहले की वीडियो में बताए होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई और सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड सेमेस्टर में और सब्जेक्ट होते हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज होते हैं वो अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग कराते हैं, ज्यादातर आपके सिलेबस जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया अंडरस्टैंड द सिलेबस, सिलेबस की हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपनी स्टडी को करने के लिए। एक बार हमें रिव्यू ले लेना चाहिए कि पहले के रिव्यू का मतलब ये है कि ये सारी चीजें होती है। तो ये आपका सेकंड नंबर पे आता है कि हमें सिलेबस की पूरी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से
पता होने, जब हमें पहले से चीजें थोड़ी सी पता होगी तो जब हम आगे अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे चीजें तो हम और अच्छा भी कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया सेकंड नंबर पे कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। ओके चलिए देख लेते हैं थर्ड नंबर पे क्या है दोस्तों। तो थर्ड नंबर पे आपका आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एक्टिवली। आपका प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी चीज के लिए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एनीथिंग जो भी, तो आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पैसिव रीडिंग में नॉट बी इनफ इन कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर साइंस, तो ट्राई टू बी एक्टिव इन योर लर्निंग। अपने लर्निंग मतलब अपनी तैयारियों को और मजबूत करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप बीसी मतलब कि अगर आप बीसी, वैसे तो मैंने बेसिकली बीसी के लिए लेके आया है, बीसी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तो चलिए ठीक है आपका हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर उतना हार्डली नहीं होता, लेकिन क्या होता है सेकंड सेमेस्टर थोड़ा सा लगता है, क्योंकि इसमें जैसे मैथ आपका बेसिक मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, सेकंड सेमेस्टर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज में आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आ जाता है, मैथमेटिक्स सेकंड आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका पाइथन है, सी लैंग्वेज है, तो ये सारे जो भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब बेसिकली क्या आपका थर्ड पॉइंट पे आपका था प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होना चाहिए, अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जनरली भी ऐसे कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप एग्जाम पहले से प्रीवियस या के कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो पाएगा और आपको पता चल पाएगा कि मैंने इतने क्वेश्चन को इतने टाइम में कर लिया है। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका थर्ड नंबर पे दोस्तों आ जाता है प्रैक्टिस एक्टिवली। ओके आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर हाँ अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा दोस्तों तो प्लीज आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम अगर हम और भी इन्फॉर्मेशन लेके आए तो आप लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ओके चलिए फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं क्या है। फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है कंसीडर ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, अगर आप 4-5 दोस्त हैं आपके ग्रुप में, अगर आप ग्रुप के साथ स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सामने वाला आपका दोस्त है उसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो एक साथ जब आप डिस्कस करेंगे तो आपके डाउट भी क्लियर होंगे। अगर उन्हें नहीं आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो आप उन्हें बताएंगे और जो चीज उन्हें आ रहा है आपको नहीं वो आपको बताएं, इससे क्या हो कि एक साथ हमारे दो क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं चाहे वो किसी फील्ड में। तो ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका कंसीडर ग्रुप स्टडी। अदर्स मे बी हेल्पफुल, ये बहुत ज्यादा आपका रोल करता है कि आपको स्टडी करनी चाहिए, तो अगर आपके साथ कोई ग्रुप आपका दोस्त है, जैसे आप लोग स्टडी तो चलिए ठीक है स्टडी करने के लिए ग्रुप में साथ में अगर बैठेंगे दोस्त लोग तो आपस में मस्ती कर लेंगे, बातचीत कोई और चल लेगी, अच्छा है दोस्तों कि आप लोग बात भी करिए मस्ती भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने स्टडी पर भी फोकस करिए क्योंकि स्टडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो ये सबसे मेन आपका रोल ये भी हो जाता है फोर्थ नंबर का कि आप अगर कंसीडर ग्रुप स्टडी, ग्रुप के साथ आप 4-5 लोग भी हैं, दो लोग भी, अगर दो लोग भी हैं तो भी आपका एक ग्रुप बन जाता है। तो अगर आप ग्रुप के साथ करेंगे तो ये भी बहुत बेस्ट रोल आपका होगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी डाउट हो सकते हैं, आप स्कूल में आपके ग्रुप हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं वहां पे भी आपके ग्रुप हो, तो दोस्त होते हैं दो चार दोस्त उसमें आप डिस्कस करें। आई होप आप लोगों को ये चीजें जो भी मैं बता रही हूँ वो आपकी पूरी की पूरी समझ में आ रही होंगी। हाँ कहीं भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है किसी भी चीजों को लेकर के तो बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग परेशान मत होइएगा, दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे डिस्क्रिप्शन में आप हमें कॉल व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, हमारी टीम आपको सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेगी। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका क्या है बीसीए की बहुत ज्यादा बहुत स्टूडेंट बीसीए कर रहे हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आई होप मैं वो सारी चीजों को कलेक्ट करके आप लोगों के डाउट्स को आपके क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर पाऊं ताकि आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी कर पाए। ओके चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या है। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है प्रैक्टिस रेगुलरली। अभी मैंने आपको बताया था आगे आपका थर्ड नंबर पे था कि प्रैक्टिस एक्टिवली, मतलब आपको प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर पे आता है प्रैक्टिस रेगुलरली, मतलब आपको प्रैक्टिस रोज करना है। आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, आप अगर 2-4 घंटे पढ़ रहे हैं, 1-1.5 घंटे आप प्रैक्टिस भी लगाइए, प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। ट्राई टू प्रैक्टिस रेगुलरली, आप प्रैक्टिस रोज करिए कि आज मैंने ये पढ़ा, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो उसको साइड में रखिए लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। आज मैंने नहीं पढ़ा, जो मैंने कल पढ़ी आज फिर भी देखें, कल अगर थोड़ी कुछ कमियां रह गई है आज वो ज्यादा जो कमी थी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, वो कुछ कमियां रहेगी तो उस कमियों को हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। रोज का रोज आप प्रैक्टिस करिए, 10 क्वेश्चन लगाइए, 50 क्वेश्चन लगाइए, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही लगाइए, 5 क्वेश्चन ही, लेकिन रोज लगाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही थी तो लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल। चलिए सिक्स नंबर पे हम देख लेते हैं टेक ब्रेक। स्टार्ट में दोस्तों आपको ये सारी चीजें करने के बाद आपको रेस्ट करना और ब्रेक लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
क्योंकि लगातार अगर आप स्टडी करते रहेंगे तो आपके माइंड पे भी थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ा पढ़ाया सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें बीच में क्या होता है कि टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेना भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैंने तो वैसे आपको बताने के लिए सिर्फ लेकिन मैं आपको अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेगा, आप इससे रिलेटेड जो भी लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीसीए स्टूडेंट्स के लिए ही यूजफुल होगा, कि अगर लोगों के लिए भी यूजफुल होगा जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, कि अगर वो जॉब पर्पस पे भी जॉब भी कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो वो सभी लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो मेन तो मेरा टॉपिक वही था, लेकिन ये कोई भी देख सकता है, उसको यूजफुल होगा वो अगर उस टाइप से अगर वो यूज करना चाहेंगे तो। टाइम मैनेजमेंट तो वो सारी चीजें देन हम देखते हैं ना कि टेक ब्रेक, ब्रेक लेना भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या है कि मेक श्योर टू टेक ब्रेक्स एंड रेस्ट, ठीक है। आपको थोड़ा सा आपको रेस्ट लेने की जरूरत है, थोड़ा सा आप पानी वानी पी लीजिए पढ़ते समय, ठीक है, पानी पी लीजिए, उसके बाद नाश्ता वास्ता थोड़ा करके थोड़ा सा रेस्ट और घूम टहल लीजिए। आजकल गाना भी सुन सकते हैं आप, अच्छे से अच्छे गाने चले, थोड़ा सा गाना, ताकि आपका माइंड क्या हो ना थोड़ा सा रिलैक्स हो। जब माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा उसके बाद से आप कोई भी काम करेंगे, 5-10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, बस फिर से तो आपका माइंड खुलेगा, तो फिर से आप जब पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। सम सब्जेक्ट यू मे इन कंट्री इन द योर सेकेंड सेमेस्टर इनसाइड, ठीक है। सम सब्जेक्ट आपके जो होते हैं वो थोड़ा सा, मैंने बताया नहीं, थोड़ा सा हार्ड होते हैं, उसको पढ़ने के लिए तो एक बार आपने पढ़ लिया आपको, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बताया बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका सबसे मेन आपका सी लैंग्वेज है, अभी तो ट्रेंडिंग में आपका पाइथन बहुत ज्यादा चला, क्योंकि आपके जो जीपीटी चैट वगैरह है तो वो सारी चीजें, तो इंग्लिश हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस हो गया, सिस्टम एनालिसिस हो गया एंड डिजाइनिंग हो गया, न्यूमेरिकल हो गए आपके, मेथड्स हो गए एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये सेकेंड सेमेस्टर में आपके बहुत सारे सिलेबस होते हैं, तो मैंने बताया कि डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी मतलब किस यूनिवर्सिटी से आप, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है, तो किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में क्या है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में आपके जैसे क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको सी लैंग्वेज पढ़ना है किसी यूनिवर्सिटी में तो आपके सेकेंड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज नहीं पढ़ना होता है बहुत सी यूनिवर्सिटी, ये चीजें होती है। तो मैं आगे की वीडियो में, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, तो मैं आगे की आने वाली वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपको सिलेबस बताए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन से सिलेबस होते हैं, तो बहुत जल्द मैं वो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी आपके पास। लेकिन तब आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी ना जब आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे, तो जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज दोस्तों आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप लोगों को शेयर करिए, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके, वो लोग भी जानकारी प्राप्त करके अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को, अपनी क्लास को अच्छे तरीके से कर पाए। ओके, तो ये मैंने बताया कुछ चीजें आपको सेकेंड सेमेस्टर की, क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, हमें कैसे प्लान करके क्या चीजें करनी चाहिए। और मैं एक चीज आपको और भी बता दूं थोड़ा सा, आपको पता है कि हम बीसीए से लेकर के किसी भी कंप्यूटर कोर्स की जो भी सारी चीजें होती हैं, सारी के सारी क्लासेस को अपने इस चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अभी क्या है कि बीसीए में जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, अभी बहुत से काफी स्टूडेंट्स एडमिशन ले भी रहे हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मेरा कॉलेज दूर होता है या यूनिवर्सिटी हमारी दूर है, ऑनलाइन अपना एडमिशन ले चुके हैं बीसीए में और वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, या क्लास में स्टडी हो रही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका जो अपना परिवार है ये बीसीए के लिए कंप्लीट क्लास लेके आ गया है, काफी टाइम से क्लासेस हमारी चल भी रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको जाना है, एक एप्लीकेशन यूनिक ग्रुप का एप्लीकेशन है डियर, आप लोग को एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और आपको डाउनलोड करने के बाद इसके फर्स्ट सेमेस्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर संकल्प बैच का कंप्लीट क्लास आपको मिलेगा मात्र कम से कम फीस पे, और इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, हम सब्जेक्ट आपको बता रही थी, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपके सब्जेक्ट अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होते हैं, तो आपको जैसा मैंने बताया कि आपको संकल्प बैच में हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा इंग्लिश कम्युनिकेशन की जो क्लासेस है वो आपको आशुतोष सर डेली पढ़ा रहे हैं सुबह में 7 बजे, आप 7 बजे इंग्लिश की क्लासेस को कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास है वो आपको राहुल सर पढ़ा रहे हैं 10 बजे, आप वहाँ पे जाकर के अपनी क्लासेस को कर सकते हैं। फिर आपकी फंडामेंटल की जो क्लासेस है वो सीमा मैम ने अभी क्लासेस कम्प्लीट भी करा दी है, तो वो आपके पास संकल्प बैच जो कम्प्लीट बैच है आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड ऐड करा दिया गया, आप वहाँ पे कंप्लीट फंडामेंटल की क्लासेस कर सकते हैं। हाँ, अगर क्लास करने के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐप के डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पे कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी क्वेरीज है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर आपकी हम बात कर ले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो क्लासेस है अभी हमने इसको होल्ड रखा है, लेकिन इसकी जगह पे जो क्लासेस है बिजनेस कम्युनिकेशन की,
बिजनेस कम्युनिकेशन की जो क्लासेस है आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जगह पे प्रियंका मैम अभी पढ़ा रही हैं आप लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास। तो आप लोग बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास करें, जैसे ही बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है देन हम स्टार्ट कर देंगे आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्लासेस। ओके, फिर आपका आता है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से नेहा मैम आपको पढ़ा रही है। डेली 4 बजे आपकी क्लासेस चलती है, प्रियंका मैम की क्लासेस आपकी चलती है 5 बजे, ठीक है? तो आप 5 बजे वहां पे उनकी क्लास करेंगे। देन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज बहुत ही जबरदस्त तरीके से नितिन सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। शाम को आपकी क्लासेस इनकी 8 बजे चलती है। तो ये सारे कुछ सब्जेक्ट से मैंने आपको बताया। बेसिकली ज्यादातर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में यही सारे सिलेबस आपके होते हैं फंडामेंटल। बस खाली क्या है, थोड़ा सा अभी एक न्यू सिलेबस आ गया है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज करके। तो दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज के भी आपका अपना जो परिवार है वो आपको स्टार्ट कर दिया है सुबह में 9 बजे। सुबह 9 बजे आशुतोष से डेली आपकी इन्वायरमेंटल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो ये सारे कुछ सिलेबस थे मैंने आपको बताया, टीचर्स भी मैंने बता दिया ताकि आप लोग को ये भी कंफ्यूजन ना हो मैं कौन से टीचर पढ़ाए। तो आपको टीचर्स के भी नाम पता हो गया, देन आपको सिलेबस भी मैंने बता दिया। ये सारी चीजें कुछ हो गई कि आप लोग अगर बीसीए कर रहे हैं और परेशान हो रहे, आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आपका जो अपना परिवार है वो आप लोग को पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस खाली आप लोगों को क्या है, इस चैनल से जुड़ना है, लोगों को शेयर करना है, ताकि बहुत से लोग पढ़ भी रहे हैं और बहुत से लोग शेयर भी करते हैं। मैं चाहूंगी जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इस यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल से, वो फटाफट जाकर के यूट्यूब पे यूनिक ऑनलाइन गुरु सर्च करें और चैनल से जुड़े, ताकि उन लोगों को भी सारी चीजें पता चल सके। अगर वो परेशान होते हैं, मैं बीसीए किसी भी सेमेस्टर में एडमिशन ले चुका हूं और मुझे अपनी क्लासेस की जर्नी में परेशानी हुई। ओके, आप परेशान नहीं होना। उसके बाद से हमारा कुछ टेलीग्राम भी है, जिस टेलीग्राम पे भी आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीए विथ रत्नाकर से टेलीग्राम है, जहाँ पे आपको गेट फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे पूरी कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है? अपडेट्स आपको, क्लासेस, लिंक्स, पीडीएफ एंड आपको मच मोर, मतलब जो सारी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे टेलीग्राम पीसीए विथ रत्नाकर से टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप जा करके अपने लिंक, किसी भी चीज की अगर आपको परेशानी होती है आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी वीडियो पसंद आई होंगी जो भी मैंने आज बताने की कोशिश की। तो अगर डियर आप लोगों को सारी की सारी चीजें पसंद आ गई हैं जो भी मैंने आपको बताई है, किसी प्रकार की अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत आई होगी तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा, जो भी मैंने सारी चीजें बताई है, कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट, कोई समस्या हुई होगी तो बिल्कुल भी आप बिना संकोच के हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। हमारी टीम आपको पूरी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगी, वो किसी भी रिलेटेड हो।